एवरीवन गुड वेरी गुड। तो चलिए आज हम इंग्लिश की क्लास अटेंड करेंगे। ओके बेटा ओके। तो आज हम इंग्लिश में क्या सीखेंगे? राइट लेटर एच। वेरी गुड। तो कैपिटल एच है स्मॉल एच। तो मैम ने आपके लिए लिखी उसके रिगार्डिंग दो पिक्चर्स ड्रॉ की है। ओके बेटा। तो एच फॉर हेड, देन एच फॉर हॉर्स। तो मैम ने दो पिक्चर ड्रॉ की आपके लिए। आप लोगों को क्या करना है, अपनी अपनी नोटबुक्स में एच के रिगार्डिंग कोई भी दो पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें सुंदर सुंदर कलर भी करना है। तो आपकी नोटबुक कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सुंदर। ओके बेटा। जैसे मैम ने आपके लिए ब्लैक बोर्ड सुंदर सा डेकोरेट किया है, ऐसे ही आप लोग मैम के लिए अपनी नोटबुक क्या कैसे बनाएंगे? सुंदर सुंदर उसमें ड्रॉ करेंगे, कलरिंग करेंगे। ओके बेटा। तो आज हम एच की फॉर्मेशन सीखेंगे। तो चलिए मैम के साथ नोटबुक निकालिए और मैम के साथ स्पीक भी कीजिए। ओके। तो राइट भी करना है और आपको स्पीक भी करना है। तो आप क्या लिखेंगे आज हम एच? तो हमारी इंग्लिश की नोटबुक कौन सी लाइन, कितने लाइन वाली है बोलिए? फोर लाइन वाली। वेरी गुड। तो नोटबुक्स निकालिए और आज मैम के साथ देखिए। ओके। तो चलिए आज हम एच की फॉर्मेशन सीखेंगे। तो हमारी फोर लाइन की जो नोटबुक है उसके अकॉर्डिंग मैम ने ड्रॉ करके लाई। ठीक है बेटा। तो एच हमारा स्टार्ट होता है, कैपिटल एच हमारा स्टार्ट होता है फॉर्मेशन लाइन वन से। तो वन लाइन पे टच करते हुए सेकंड लाइन क्रॉस करते हुए थर्ड लाइन पे ले जाएंगे स्टैंडिंग लाइन। ओके बेटा। देन इसके वन लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन पे ले जाएंगे ये लाइन को स्टैंडिंग लाइन। ओके। एंड देन सेकंड लाइन को क्रॉस करते हुए ये हमारा कौन सा लेटर स्टार्ट तैयार हो गया? कैपिटल एच। ओके। वन टाइम और एक बार और मैम के साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए वन लाइन को टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन करेंगे हम थर्ड लाइन पर। देन फर्स्ट लाइन से टच करते हुए थर्ड लाइन पर स्टैंडिंग लाइन कर देंगे। देन बीच में इसको कटते हुए क्या करेंगे? स्लीपिंग लाइन। ओके बेटा। तो हम दोनों लाइन को जो हमारी स्टैंडिंग है उसके बीच में स्लीपिंग लाइन लगा देंगे। तो ये हमारा लेटर कौन सा तैयार हो गया? कैपिटल एच। अभी हमें क्या और सीखना है? स्मॉल एच। तो स्मॉल एच भी बड़ा सिंपल है। देखिए फर्स्ट लाइन से टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन को ले जाते हुए थर्ड लाइन पर स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे हम। ओके बेटा। स्टैंडिंग लाइन खींचने के बाद जो हमारी सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन से टच करते हुए थोड़ा सा कर्व करते हुए थर्ड लाइन पर जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा लेटर तैयार हो गया? एच, स्मॉल एच। वन टाइम और करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस। चलिए फर्स्ट लाइन से टच करते हुए थर्ड लाइन, थर्ड और सेकंड लाइन से स्टैंडिंग लाइन, सेकंड लाइन से स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से स्टैंडिंग लाइन। तो ये कौन सा लेटर हो गया हमारा तैयार? स्मॉल एच। ठीक है। तो आज हमने कैपिटल एच और स्मॉल एच दोनों का रिवीजन किया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसकी लिखना भी है आपको, पढ़ना भी है। ओके बेटा। तो आज देखिए मैम ने दो पिक्चर ड्रॉ की थी। एच फॉर एच ए टी है। हेड क्या होती है? देखिए एक तो होती है कैप जिसकी आगे हेड होती है जो गोल होती है पूरी, टोपी बोलते हैं जिसको। ठीक है बेटा। वो होती है हेड। और एच फॉर हॉर्स। अभी हॉर्स, हॉर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? घोड़ा। तो हॉर्स को तो सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना। ओके। तो आज आपने क्या सीखा है इंग्लिश क्लास में? फॉर्मेशन राइट लेटर एच, इसकी फॉर्मेशन सीखी है, इसको कैसे लिखा जाता है वो आपने सीखा है। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी अपनी नोटबुक्स में सुंदर सुंदर आपको एच कैपिटल भी और स्मॉल भी दोनों। ठीक है बेटा। ओके बेटा।